सुबह की खूबसूरत मॉर्निंग के साथ आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। JK24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में मौसम की जानकारी आपको देंगे। जम्मू कश्मीर में मौसम जरूर साझा कीजिएगा। इस समय तापमान जम्मू में 16 डिग्री सेल्सियस है, जहां पर आज दिन भर जो है वो बादल छाए रहेंगे, यानी कि मौसम में काफी ज्यादा बदलाव आज देखने को मिलेगा। जहां पर तापमान इस समय 16 डिग्री सेल्सियस है और मौसम जो है वो बदलते हुए नजर आएगा और दिन भर आज इसी प्रकार से मौसम रहने वाला है, यानी कि बादल जो है वो आसमान में छाए रहेंगे। आपके मौसम में सूरत हाल इलाके के क्या कुछ है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल तस्वीरें जम्मू से आप देख रहे हैं, जहां पर इस समय मौसम में सूरत हाल काफी ज्यादा बदलते हुए नजर आ रहा है, यानी कि दिन भर आज मौसम जो है वो बदलते हुए नजर आएगा, जहां पर ठंड का आभास भी को जो है वो होना शुरू हो जाएगा और बादल जो है वो आसमान में छाए रहेंगे। जहां पर 18 और 20 तारीख की बात करें तो 18 और 20 तारीख को जो है वो भारी बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी और मैदानी इलाकों में बूंदा बारिश भी देखने को मिलेगी। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ रुख कर रहे हैं तो सबसे पहले ट्रैफिक एडवाइजरी क्या कुछ है वो जरूर पढ़ लीजिएगा और उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जो है वो रुख जरूर कीजिएगा। फिलहाल तस्वीरें जम्मू से आप देख सकते हैं, मौसम आज इसी प्रकार से रहने वाला है, जहां पर हल्की धूप और बादल जो है वो छाए रहेंगे और 16 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो बर्फबारी होगी और जिस तरीके से यानी कि 18 से 20 तारीख जो है वो बर्फबारी बताई गई है और कुछ ऐसे इलाके हैं यानी कि 19 तारीख को कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बर्फबारी और साथ ही साथ बारिश का सिलसिला जो है वो देखने को मिलेगा और इस बर्फबारी के कारण कई सारी रोड भी इफेक्ट होंगी, यानी कि बंद होने की संभावना भी जताई जा सकती है जो ओवर हायर रीचेस पर है। जैसे कि आपको बता दें कि सिनाथन बताया जा रहा है, सिनाथन पास हो गया, मुगल रोड हो गया, जोजिला पास हो गया, उसके बाद राजदान पास हो गया, NH 44 यानी कि जो अवर हाई रीचेस पर जो यानी कि जहां पर बर्फबारी पड़ेगी वहां पर रोड भी बंद होने की फिलहाल जो है वो संभावना जताई जा रही है। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अगर आप बर्फ पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ रुक कर रहे हैं, बर्फबारी देखना पसंद करते हैं, वहां पर आप रुक कर रहे हैं तो गाड़ी जो है वो हमेशा धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाएं और ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लें और उसके बाद ही पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जो है वो रुक करें, क्योंकि 18 से 20 तारीख की बात करें तो 18 से 20 तारीख जो है वो काफी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिलेगी पहाड़ी क्षेत्र पे। तो साथ ही साथ ये तस्वीरें जम्मू से आप देख रहे हैं, जहां पर जम्मू में इस समय मौसम जो है वो बदलते हुए नजर आ रहा है, यानी कि मौसम जो है इसी प्रकार से दिन भर रहने वाला है, जहां पर हल्की बूंदाबारिश मैदानी इलाकों में 18 से 20 तारीख को देखने को मिलेगी और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी रहेगी और आज दिन भर जो है वो बादल छाए रहेंगे। तस्वीरें जम्मू से आप देख रहे हैं, अपना इलाका जरूर साझा कीजिएगा। सामित निजार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, अपना इलाका जरूर साझा कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा आपके इलाके के इस समय मौसम में सूरत हाल क्या कुछ है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, मौसम इस समय जो है वो काफी ज्यादा बदलते हुए नजर आ रहा है और भारी बारिश जो है, भारी बर्फबारी 18 से 20 तारीख रहेगी और 19 तारीख को भी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, यानी कि 20 तारीख तक, 20 तारीख की रात तक जो है वो भारी बारिश और साथ ही साथ भारी बर्फबारी भी जो है वो संभावना जताई जा रही है। इस बारिश में और या फिर बर्फबारी में आप कहाँ जाना रुक कहाँ का रुक करना पसंद करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं वो भी जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और तमाम लोग हमसे जुड़े, कमेंट सेक्शन पर अपना इलाका जरूर बताइए, आपके इलाके के मौसम में सूरत हाल इस समय क्या कुछ है। और मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आप जो है वो पहाड़ी क्षेत्र की ओर रुक कर रहे हैं, स्नोफॉल देखने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लें। ट्रैफिक एडवाइजरी क्या कुछ है? जानकारी यानी कि नेशनल हाईवे की क्या कुछ जानकारी है वो जरूर ले लीजिएगा और उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जो है वो रुक कीजिएगा। फैजल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोपुर में बादल छाए हुए हैं। देखिए जम्मू में भी आज जो है वो बादल इसी प्रकार से छाए रहेंगे, हल्की ठंड का आभास भी जो है वो होना शुरू हो जाएगा। गोहर रमजान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका कहना है कि कुपवाड़ा में हल्का बादल भी छाया हुआ है और धूप भी जो है वो निकली हुई है। तो चलिए
ये तस्वीरें जम्मू से आप देख रहे हैं, जहां पर जम्मू में इस समय जो है मोहम्मद साफिर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और तमाम लोग जो भी जुड़ेंगे वो कमेंट सेक्शन पर अपना इलाका भी जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज इसी प्रकार से मौसम रहने वाला है और 18 से 20 तारीख भारी बर्फबारी बताई गई है और भारी बारिश की संभावना भी जो है वो जताई गई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए जगह 24 के साथ। नमस्कार।